तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्राचार्य के पास मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में हम लोग आज आवेदन पत्र हम लोग कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पूर्व हम लोग आवेदन पत्र कैसे लिखते थे उसके बारे में हम लोग सीखे थे ना, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक अक्षर फोर टू एट तक के लिए है ना, तो सबसे पहले जिस तरह लिखते थे उसमें सेवा में, तो इसी में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेवा में। सेवा में श्रीमान प्रचार्य महोदय, ठीक जिस तरह हम लोग आवेदन पत्र में लिखे थे स्कूल का नाम, उसी तरह स्कूल का यहां पे नाम लिखेंगे। आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल स्कूल पावर हाउस डंडा बी है ना। जिस तरह पहले लिखे थे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पावर हाउस डंडा डी, उसी तरह लिखेंगे। फिर यहां लिखेंगे विषय, विषय हम लोग क्या है, मासिक शुल्क माफ करने के समय पर क्या लिखेंगे, विषय में मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में किसमें लिख रहे हैं, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में। हम लोग को होता है कि बहुत गरीब परिवार के होते हैं ना, जो मासिक शुल्क जमा करने में असमर्थ होते हैं, नहीं जमा कर पाते, तो आवेदन पत्र लिख रही हैं किसके पास, प्राचार्य के पास, कि हमारा जो मासिक जो शुल्क है वो माफ कर दीजिए ताकि हम पढ़ाई को आगे मतलब रख सके, आगे चल रख है ना। तो सबसे पहले विषय लिख लिए मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में। अब हम लोग आगे लिखते हैं क्या, उसके बाद यहां लिखना है महाशय, लिखना है सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं सुनील कुमार कक्षा 5 का आपके विद्यालय, लेकिन सुनने निवेदन यह है कि मैं सुनील कुमार कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी हूं। लिखना है मेरा मासिक शुल्क
मेरा मासिक शुल्क, मेरा मासिक शुल्क लगभग 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 मेरा मासिक शुल्क पांच महीनों से बकाया बकाया है। क्या लिखना है कि सभी ने निवेदन है कि मैं सुनील सुमेर यादव कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं, मेरा मासिक शुल्क है वो 5 महीनों से बाकी है। तो 5 महीने से बाकी है, उसको को माफ करना, माफ करवाना अपने किसे, प्राचार्य महोदय से। तो जब अपने प्राचार्य महोदय से उसको माफ जब करवाना है तो हमें कुछ कारण देना पड़ेगा, और कुछ कारण देंगे तब ही जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं वो उसको क्या करेंगे, माफ कर देंगे। वो तो लिखना है कारण की मेरे पिताजी क्या है, मेरे पिताजी जी एक वर्ष से बीमार चल रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो एक वर्ष से बीमार हैं, मेरे घर में जीविका चलाने वाले सिर्फ पिताजी हैं जिसके कारण मासिक शुल्क नहीं जमा हो पाया, जमा हो पाया है ना। तो लिखना है और उसके बाद आगे लिखना है ना, कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब हम लोग आगे लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं ना। हम लोगों ने कारण दे दिया कि मेरे जो पिताजी हैं वो 5 महीनों से बीमार चल रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में जो जीविका चलाने वाले हैं वो सिर्फ मेरे पिताजी हैं। तो आप फीस माफ करने का कृपा प्रदान करें, नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अतः, फिर नीचे लिखने देते हैं, उसके पैराग्राफ चेंज करेंगे हम लोग, पर लिखेंगे क्या, अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि मुझे सादर प्रार्थना है कि मेरी 5 महीनों का मासिक
शुल्क शुल्क माफ माफ करने की कृपा प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, है ना। लिखना है क्या पे, अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि मेरी 5 महीनों का मासिक शुल्क माफ करने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा बना रहूंगा, है ना। इसके बाद फिर ऐसे करके लिखना है, आपका विश्वासी छात्र, है ना, कि आपका विश्वासी छात्र। उसके बाद यह लिखना कक्षा, उसके बाद पहले लिखना है नाम सुनील यादव, है ना। उसके बाद लिखना है यहाँ पे क्रमांक कक्षा लिखना है ना, कक्षा 5 और यहाँ पे क्रमांक लिखना है, इतना आपका क्रमांक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस तरह से अपने प्राचार्य के पास मासिक शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र इसी तरह से लिखना है, है ना। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको लिखना सीख गए होंगे, इसी तरह से लिखने की आप लोग प्रयास भी करेंगे, है ना। धन्यवाद।